चलो सवाल, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेहरे में अभी भी मुस्कान है, तो तुरंत जा सकते हैं दोबारा ऑपरेशन में। बहुत खूबसूरत नजारा है जी। नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाकों में कल जो मुठभेड़ हुआ था उसमें 31 से ज़्यादा माओवादियों के मारे जाने की खबर आ रही थी, लेकिन आज सुबह पुलिस ने 31 शव बरामद कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं इन शवों को जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा पहुंचाया जा रहा है और करीब 48 घंटे तक ये चले ऑपरेशन के बाद दंतेवाड़ा जवान पहुंच रहे हैं। ये दो जिलों के बीच में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सुरक्षा बल के जवान अबुझमाड़ जैसे बेहद नक्सल प्रभावित इलाकों में घुसे थे और एक बड़ा ऑपरेशन को कामयाब कर दिखाया है। अब तक बस्तर के इतिहास में ये पहली दफ़ा है जहां इतने बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं और जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं पुलिस अफसरों ने जो दावा किया है इसमें 25 लाख से किला के इनामी नक्सली भी मारे गए हैं। अभी तक फिलहाल किसी तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। जब तक डेड बॉडी जिला मुख्यालय पहुंचेंगी उसके बाद माओवादियों के शव की शिनाख्त की जाएगी और उनके नाम और उनके रिवार्ड को लेकर मीडिया के सामने रखी जाएगी। लेकिन अभी तक का ये जो आंकड़ा सामने आया है 31 माओवादी मारे गए हैं और घटनास्थल से माओवादियों के पास से जो हथियार है SLR AK-47 और अन्य प्रकार के जो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। जो हथियार बरामद किए गए हैं AK-47 SLR जैसे जो हथियार घटनास्थल से जो मिले हैं इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक बड़े कैडर के नक्सली वहां मौजूद थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। हालांकि पुलिस को जब इसकी स्पेसिफिक इनपुट मिली तो नारायणपुर और दंतेवाड़ा के जवानों ने उन माओवादियों को घेरने का प्रयास किया और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह से सफल हुए और एक बड़ी कामयाबी उन्हें हाथ लगी है। बस्तर के इतिहास में इस बार जब से छत्तीसगढ़ सरकार में भाजपा की सत्ता बनी है तब से लगातार माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं और उन्हें एक बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। आपको बता दूं कि कांकेर में 29 नक्सली मारे गए थे, इससे पहले बीजापुर में 12, पीड़िया में 12 और इस तरह के कई माओवादियों को मार गिराया गया और अब माओवादियों के खिलाफ इस तरह जो ऑपरेशन किया गया जिसमें एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है और 31 माओवादी मारे गए हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जब छत्तीसगढ़ का दौरा किया था तो उन्होंने मार्च 2026 को माओवाद को बस्तर से ख़त्म करने का दावा किया था और इसी कड़ी में बस्तर पुलिस उन्हीं के राह पर चल निकली है और इस घटना को अंजाम दिया और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादियों के करीब 31 लड़ाकों को मार गिराया है। ये बड़ी सफलता के रूप में देख रहे हैं और ये बड़ी कामयाबी है और कहीं ना कहीं जवानों के हौसले बुलंद है। आप देख सकते हैं तस्वीरें आप देख रहे होंगे नारायणपुर के थुलथुली इलाके में बड़ा एक ऑपरेशन किया और वहाँ से माओवादियों को मार गिराया था। आप देख सकते हैं उसके बाद जवान शव लेकर लौटे हैं और इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में महिला कमांडो ने भी अपनी भागीदारी निभाई है। बताया जाता है 200 से ज़्यादा महिला कमांडर थी इसमें कमांडोस थी और उन्होंने इस घटना में इस मुठभेड़ को सफल बनाने में अपनी सहभागिता निभाई है। तो आप समझ सकते हैं कि बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में अब माओवादियों के साथ सीधी जंग लड़ी जा रही है। जो आने वाले समय में जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि 2026 तक माओवादियों को मार गिराया जाएगा, माओवादियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब तक जो पुलिस की कार्रवाई है इसमें एक बड़ी सफलताएँ लगातार मिल रही। सलीम शेख, दंतेवाड़ा।